बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज का एपिसोड बेहद ही एनर्जेटिक रहा। इस एपिसोड में घर के कैप्टन शेफाली पर पार्शियलिटी का इल्जाम लगाया गया। घर वालों के बीच में ड्यूटीज को लेकर झगड़े हुए, दो दोस्तों के बीच में दरार आ गई और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए नजर आए। जी हाँ, आज का एपिसोड इसी तरह से काफी खास, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार रहा। तो चलिए अब इसकी हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सुबह होती है और सभी घर वाले एनर्जेटिक गाने पर डांस करते हुए नजर आते हैं। घर में सभी लोग आरती सिंह और विशाल आदित्य सिंह को लेकर काफी बातें करते हुए नजर आते हैं, उनकी सगाई भी करवा देते हैं। जी हाँ, शहनाज और उनके बाकी दोस्त आरती के बारे में कहते हैं विशाल के सामने, ये ना आपको पसंद करती है, आपके बारे में बात करती है। यहाँ पर सिद्धार्थ भी काफी फन मूड में नजर आते हैं। आरती से सभी बोलते हैं कि बता यार, लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है। शहनाज भी बताती है कि ये बोलती है कि अगर इसकी दोस्ती हुई और कनेक्शन बना तो ये शादी भी कर लेगी। विशाल इस दौरान काफी कुछ नजर आते हैं। शहनाज और बाकी दोस्त मिलकर उनके लिए कुछ तैयारियां करते हैं, लिविंग एरिया में फूलों से सजावट करते हैं और फिर सभी दोस्त मिलकर विशाल और आरती को लेकर आते हैं। आरती को बड़ी जबरदस्ती के साथ लेकर आया जाता है और फिर इन दोनों के लिए रिंग्स अरेंज की जाती हैं और इस तरीके से इनकी रिंग सेरेमनी पूरी की जाती है और इन दोनों की सगाई करवा के ये सारे घर वाले काफी खुश नजर आते हैं। इस तरीके से इस फन मूड और अच्छे माहौल के बाद घर का माहौल गर्मा जाता है। घर के सभी लोग घर के कप्तान शेफाली से काफी नाराज हैं। जी हाँ, विशाल आदित्य सिंह को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो कहते हैं शेफाली से कि आपने बहुत ही पार्शियलिटी कर दी है, आप बहुत ही बायस कैप्टन हैं, आपने अपने दोस्तों को कम काम दिया है जबकि बाकी लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। शेफाली इस बात से नाराज नजर आती हैं और वो विशाल से कहती हैं कि जब ड्यूटीज को दिया गया था तब आप यहाँ पर नहीं थे, तो बेहतर होगा कि आप इस मामले में पड़े ही ना। यहाँ पर शेफाली और विशाल के बीच में थोड़ा सा कहासुनी हो जाती है। रश्मि और देवलीना अपना बात सामने रखती हुई नजर आती है और शेफाली कहती हैं सिद्धार्थ को कि ये लोग कहते हैं कि मैं बायस्ड हूँ। इस बात पर सिद्धार्थ गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं अगर तुम हो तो हो, उनका प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस अपना काम दो चलो। आसिम भी इस दौरान गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि शेफाली 3 दिन से सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन मैं अपनी ड्यूटी चेंज नहीं करूंगा, अगले हफ्ते ही चेंज करूंगा, जिसको जो करना है कर ले। इस तरीके से माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा जाता है। विशाल बार बार में कहते हैं कि आप ड्यूटीज को चेंज कर दीजिए, अगर किसी के पास ज्यादा काम है तो उसको दूसरी ड्यूटी थोड़ी कम दे दीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। विशाल की इस तरीके की इंटरफेरेंस सिद्धार्थ को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि विशाल तरह बहुत ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल कर, ये बकवास मत कर, और इस तरीके से इनके बीच का माहौल बिगड़ जाता है और इनका झगड़ा हो जाता है। इसके बाद माहौल गर्मा जाता है सिद्धार्थ शुक्ला की टीम के बीच में। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला की टीम के बीच में मनमुटाव होने शुरू हो गए हैं। एक तो शहनाज के आने से वापस सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी में आसिम को पहले से ही दिक्कत है और फिर ऊपर से आरती ने सिद्धार्थ को नहीं कहा बेडरूम साफ करने को, आसिम को कहा। इस बात से आसिम को गुस्सा आ जाता है और इसे लेकर आरती और आसिम के बीच में झगड़ा हो जाता है। आरती उन्हें बताती है कि मैंने तेरे को सेव किया और तूने मेरी कैप्टनसी के टाइम काम नहीं किया और कहा कि मैं अच्छी कैप्टन नहीं हूँ। आसिम कहते हैं कि मैंने भी तेरे को सेव किया, सॉर्टेड फॉर दैट, हो गया सो हो गया, और हाँ तुम मेरे को क्यों बोल रही, सिद्धार्थ को भी बोल, और इस तरीके से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला आसिम को समझाते हुए नजर आते हैं लेकिन समझाने के चक्कर में इन दोनों का ही झगड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ उनसे कहते हैं कि जब तक कोई बाहर का इंसान यहाँ मौजूद हो तो प्लीज इस तरीके से आपस में झगड़ो मत, क्योंकि इस तरीके से आप हमारी वीकनेस को सामने रखते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं मैंने आरती को चुप होने के लिए बोला, वो चुप हो गई लेकिन तू फिर भी चिल्लाया जा रही है, ठीक नहीं है। आसिम कहते हैं कि तू क्या कर रहा है ये बता मेरे को, फूट पड़ रही है ना यहाँ पे, क्योंकि वो सिर्फ एक बार आई तूने इसको गले लगा लिया, माफ कर दिया, उसको वापस बुला लिया, क्या है ये, क्या चल रहा है तेरा। और इस तरीके से माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। शहनाज कहती है क्या मेरी वजह से यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, वो बेचारी भी काफी दुखी नजर आती है और उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और इस तरीके से माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा जाता है। घर में सिर्फ एक अच्छे मूवमेंट के बाद, यानी कि विशाल और आरती की सगाई वाले फन मूड और फन मूवमेंट के बाद घर में बहुत ही ज्यादा टेंशन और तनाव आ जाता है। सभी घर वाले आपस में अपने काम, ड्यूटीज, एक दूसरे की बातों को लेकर लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये है बिग बॉस सीजन 13 के सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए Day 45 की हाइलाइट्स। और इसी तरह से हर एपिसोड की हाइलाइट्स और इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।